अभी हम बात करने वाले हैं मालदीव्स वर्सेस कुवैत के बीच में खेला जाएगा मेंस T20 वर्ल्ड कप एशियाई क्वालिफायर का मुकाबला, उसको लेकर देख लेंगे डिटेल्स में। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, स्वागत करता हूं आपके अपने ही भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। तो दोस्तों, आपके लिए ये मैच जो है मिनी जीएल और जीएल के लिए बिल्कुल समझो कि सेटअप तैयार है, आपको इसके ऊपर क्लिक करवाना है। कैसे क्लिक करवाना है, जब वीडियो कंप्लीट देख लोगे आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको एक चीज जो मैं बोलूंगा ना, ICC रैंकिंग, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई सब कौन सी टीम स्ट्रांग है, क्यों स्ट्रांग है। और मैं आप लोगों को बस एक एग्जांपल के तौर पे भी बताऊंगा कि क्यों वो टीम बहुत ही स्ट्रांग है। तो अगर ICC रैंकिंग की बात कर ले तो मालदीव का 74 या 75वां रैंक है ICC में, T20 में बात कर रहा हूँ। उसके अलावा कुवैत को लेकर अगर हम बात कर ले तो इसकी ICC रैंकिंग 25 या फिर 24 है, ठीक है। तो एग्जैक्टली मुझे अभी समझ मतलब याद नहीं आ रहा है, 25-24 के आसपास है कुवैत की रैंकिंग। तो भाई सब लगभग समझो कि 50 रैंकिंग की अंतर है। तो आप लोग जो है इस मैच में कुवैत को वन साइडेड फेवरेट मानना और इसको फेवरेट मान के आप लोगों को टीम बनाना है। विनिंग चांसेस की बात कर ले तो 100% चांसेज है यहाँ से कुवैत की और 0% चांसेज है यहाँ से मालदीव की। तो आप लोग अब समझ सकते हो कि भाई सब GL में आपको करने क्या है। आफ्टर टॉस क्या होगा, समीकरण बिल्कुल बदल जाएगा। अगर मान लो कुवैत की पहले बल्लेबाजी आती है तो हम लोग कुवैत के कुछ बल्लेबाजी को भी ट्राई करेंगे। अगर कुवैत की पहले गेंदबाजी आती है तो हम लोग कुवैत का एक भी वो गेंदबाज नहीं छोड़ेंगे जो 2 या 3 ओवर से प्लस में इस पर डालेगा। तो दोस्तों, आफ्टर टॉस अगर मेरे टीम में कोई भी चेंजेस होगा तो उसका अपडेट्स आप लोग मैं सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाऊंगा। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप लोग एक छोटा सा काम करना है, इसी वीडियो के जाने हैं कमेंट सेक्शन में, सबसे टॉप कमेंट के ऊपर क्लिक कर देने और आप लोग को टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। या फिर दोस्तों आपको जाने हैं टेलीग्राम पे और सर्च कर लेना है कुछ ऐसा। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा @PredRaja123। जैसे ही आप ये सर्च कीजिएगा आपको एक चैनल दिख जाएगा 71K वाला, इसमें 1000-2000 ऊपर नीचे हो सकता है, उसी में आप लोगों को जुड़ना है। बाकी सारे फेक चैनल है, फेक चैनल से आप लोगों को बिल्कुल नहीं जुड़ना है। तो आप जाइएगा मेरे मेन चैनल पर, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जुड़ जाने हैं। ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो आपको वो एप्लीकेशन दिख जाएंगे जहाँ पर मेरे इन्वेस्टमेंट होते हैं। अगर इनमें से कोई ऐप आपके पास ना हो तो जाकर ज़रूर एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में अगर आप फ्री रहते हो किसी टाइम में तो हेलो लूडो ऐप पे जाके लूडो खेलिए और दिन का 1000-2000 रुपये आराम से प्रॉफिट कमा लीजिए। अब आइए हम देख लेते हैं दोनों टीम का रिसेंट मैच का प्रदर्शन, फिर देख लेंगे अपना ड्रीम इलेवन का टीम। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस मैच में जो फेवरेट रहने वाली है कुवैत की टीम, उसको लेके हम लोग डिटेल्स में देख लेंगे। तो कुवैत का जो पहला मैच हुआ था वो हुआ था बहरीन के साथ, जिसको बहरीन को इसने फेंटी लगा दी थी। अब आप लोग सुनना, मैं आप लोगों को जो है ना मतलब एक दूसरे के साथ टाइप करके बताऊंगा कि हाँ भाई क्यों कुवैत की टीम बहुत बड़ी फेंटी दे सकती है मालदीव को। बहरीन को इसने 6 विकेट हराई है, कौन कुवैत की टीम। गेंदबाजी में बात कर लेंगे तो नवाफ अहमद 2 ओवर 17 रन 0 विकेट, नवीद 4 ओवर 31 रन 1 विकेट, सैयद मुनीब 3 ओवर 33 रन 2 विकेट, मोहम्मद असलम 4 ओवर 13 रन 3 विकेट, एडसन सिल्वा 4 ओवर 15 रन 1 विकेट और सिराज खान 3 ओवर 13 रन 1 विकेट। बाकी अगर आप किसी प्लेयर का रिसेंट परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो उसके नाम के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को जो है फैन कोड पे दिख जाएगा कि हाँ भाई इससे पहले इसका किस मैच में कैसा प्रदर्शन रहा है, जो मुझे फैन कोड का बहुत ही अच्छा लगता है। आपको लास्ट के 5 मैचेस का दिखा देगा कि हाँ भाई सब देख लीजिए आपका प्लेयर जो है उसका प्रदर्शन लास्ट के 5 मैच में कैसा है। अब अगर हम बात कर लेंगे यहाँ से तो आपको जो है कोई भी बॉलर, मान के चलो यहाँ से आपको दिख रहा है ना नवाफ अहमद, ये मान लो अभी 2 ही ओवर किया, इससे अगले मैच में 1 ही ओवर किया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि इस मैच में आपके लिए पॉकेट रॉकेट यही साबित हो जाए, क्योंकि कौन विकेट ले लेगा भाई साहब मालदीव के सामने, ये कहना अपने आप में बहुत ही टफ है। बात करेंगे बल्लेबाजी में तो रवीजा कैप्टन VC के लिए सबसे पहला पिक मैं बोलूंगा, GL में ट्राई कर लेना इसको, 49 रन 31 बॉल में। उस्मान पटेल 7 रन 5 बॉल में। मैं दिखाऊंगा जब लास्ट टाइम दोनों टीम आमने सामने खेली थी ना तो क्या हुआ था। अदनान इदरीस 39 रन, उसके अलावा मीत 19, बिलाल ताहिर 7 और एडसन सिल्वा किए हुए थे 0 रन। बात करेंगे डेथ गेंदबाजी की तो अमूमन तौर पर आपको दिख जाएंगे मोहम्मद असलम, या फिर आपको मैं बता दूं कि यहां से नवीद फकर, ये भी पिछले मैच में डेथ में डाली थी, और कभी कभार सैयद मुनीब भी डेथ में आपको डालते हुए नजर आ जाएंगे। एक गेंदबाज जो डेथ में हमेशा डालते हैं उसका नाम है सिराज खान। अगर दोस्तों मैं से पूछोगे दो गेंदबाज का नाम तो सिराज और मैं बोल दूंगा नवीद फकर, लेकिन नवीद फकर को पिछले मैच में बिल्कुल कम गेंदबाजी मिला था, रीजन वैसा पता नहीं इनसे मैच में क्या होता है। अगर हम बात कर लेंगे दूसरा मैच नंबर के लेके तो यहाँ से कुवैत का सामना हुआ था भाई साहब इस टूर्नामेंट के वन ऑफ द टफेस्ट टीम सऊदी अरेबिया के साथ, उसके अगेंस्ट 4 विकेट से हार गई थी। बात करेंगे कुवैत की बल्लेबाजी में तो रवीजा यहाँ से किए हुए थे 23 रन,
इसके अलावा उस्मान पटेल सात, अब मैं यहाँ पे टाइम लूँगा उस्मान पटेल के लिए, उस्मान पटेल भाई साहब, उस्मान घानी जिसका नाम लिखा है वही उस्मान पटेल है। अगर आप देखोगे सिलेक्शन इसका 10% के आसपास है या 15% के आसपास होगा, लेकिन मैं क्यों कहता हूँ कि आपके लिए पॉकेट रॉकेट साबित हो सकता है भाई, इसके आप ऊपर क्लिक कीजिए। और अगर आपने इसका ये दो मैच देखा होगा भाई साहब, 58 रन 43 बॉल में, 59 रन 39 बॉल में, दूसरी बात उस टीम का विकेट कीपर है जो ऑल आउट करने वाली है सामने वाली टीम को, इसका मतलब आप लोगों तो समझ गए होंगे भाई साहब, स्टंपिंग कैचिंग इन सब का पॉइंट ज़रूर आपको उस्मान पटेल देने वाले हैं। तो आपके लिए मैं तो बोलूँगा कि मस्ट पिक में से एक रहने वाले हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा अदनान इदरीस 2 रन भाई साहब गेंदबाजी में इन्होंने इस मैच में जो किया था वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। मोहम्मद असलम 55 रन, मीत 36 रन, बिलाल ताहिर 2। अब देखिए भाई मीत का सिलेक्शन रेट बहुत ही ज़्यादा है। अब देखो अगर कुवैत की पहले बल्लेबाजी आती है तो मैं समझता हूँ कि मीत आपके लिए एक ठीक ठाक पिक बन सकते हैं, लेकिन अगर सेकेंड में जाएगा बल्लेबाजी करने तो हो सकता है कि इसकी बल्लेबाजी करने की नौबत ही कुवैत टीम को ना आए, आपको रवीजा और उस्मान या फिर अदनान इदरीस तक आते आते मैच आपको समाप्त दिख सकता है। इसके अलावा सिराज खान 14, एडसन सिल्वा 0, नवाफ 2 और सैयब मुनीब यहाँ से किए हुए थे 2 रन। बात करेंगे गेंदबाजी में तो पर गई थी माद समार बेहतरीन, साजिद चीमा लास्ट के वैसे 5 मैच में 28 था, इस मैच में उन्होंने 52 कर दिया। फैजल खान 22 में 37 कर दिए थे, तो इस वजह से इनको भारी भरकम हार झेलनी पड़ी थी। एक बात लग रहा था कि यहाँ से सऊदी अरबिया का जो टीम है ना वो मुश्किल से 15-16 ओवर में मैच निपटा देगा, लेकिन कैसे करके फिर अदनान इदरीस का स्पेल आया और उसने फिर मैच को आगे बढ़ाया। बात करेंगे गेंदबाजी में सैयब मुनीर 1 ओवर 18 रन 0 विकेट, मैं ध्यान आपका खींचूंगा यहाँ से वसंत था के ऊपर भाई सब 4 ओवर 32 रन 0 विकेट, सबसे बड़ी बात वहाँ पे 4 ओवर डाला है सऊदी अरबिया की टीम के सामने, और सऊदी अरबिया की टीम के सामने 4 ओवर 32 रन खाना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सिराज खान 3 ओवर 23 रन 0 विकेट, उसके अलावा आपको दिख जाएंगे मोहम्मद असलम टीम के कैप्टन बेहतरीन प्लेयर आपके लिए पैकेज ग्रुप में काम करेंगे, 4 ओवर 38 रन 3 विकेट, नवाफ अहमद 1 ओवर 14 रन 0 विकेट, अदनान इदरीस 4 ओवर 16 रन 2 विकेट, एडसन सिल्वा 2 ओवर 8 रन 0 विकेट। अब आइए हम बात कर लेते हैं बल्लेबाजी में, तो आपको नजर आ जाएंगे कुवैत की तरफ से, मैंने बोल ही दिया कि किसका क्या रोल रहने वाला है। बाकी अगर कुवैत को लेकर हम बता दें आप लोग को, डेथ गेंदबाज को लेकर मैंने आप लोग के साथ फिर से बता दूँ एक बार, सिराज को लेना ही है मैंने इससे पहले भी बोला, और आपको यहाँ से डेथ में जो दूसरा गेंदबाज नजर आ सकते हैं असलम हो सकता है कि आपको नजर आ जाए, फिर इसके अलावा यहाँ से फकर तो खेल ही नहीं रहे, नहीं तो वो नवीद फकर आपको डेथ में गेंदबाजी करते हुए हो सकता है कि नज़र आ जाए। अगर हम बात करते हैं मालदीव को लेकर जो कि बहुत ही कमज़ोर टीम है, अब आइए उसको हम कोरिलेट करते हैं। मालदीव का सामना हुआ था बहरीन के साथ, वहाँ पे बहरीन की टीम ने फेंटी लगा दी थी, मालदीव की टीम को वन साइड हरा दी थी, और जब बहरीन और कुवैत का आमना सामना हुआ था तो कुवैत ने बहरीन की टीम को बहुत बड़ी फेंटी दी थी। तो यहाँ से भी आप कोरिलेट कर लोगे, जैसे कि मान लो कोई ऐसे प्लेयर होंगे जिसको ज़्यादा मालूम नहीं होगा कि वैसे वैसे सी रैंकिंग क्या है नहीं है, वो इससे भी कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी अब चलिए मालदीव का स्कोरबोर्ड देख लें, तो मालदीव का पहला सामना हुआ था सऊदी अरबिया के सामने, जहाँ पर इनको भारी भरकम हार झेलनी पड़ी थी। यहाँ पर अगर हम बात कर लेंगे तो बल्लेबाजी में अजियान फरहत 4 रन, इनका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा, लेकिन लास्ट 5 मैच में इन्होंने रन नहीं किया हुआ, एक में अगर छोड़ दें 22 को तो। इसके अलावा अहमद हसन 9 रन, इनका भी सिलेक्शन अच्छा है लेकिन इनका भी प्रदर्शन आप कोई खास देखोगे नहीं। इसके अलावा उमर आडम, मैं इसके ऊपर टाइम लूँगा मैं, अगर मान लो कि मालदीव का पहले गेंदबाजी है तो मिनी जीएल में आप उमर आडम को कैप्टन वीसी दे सकते हो, ये आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे, और मैंने इनका गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों देखा हुआ है क्योंकि मैं इस मालदीव का पिछले सीजन भी कोई टूर्नामेंट कवर कर रहा था जहाँ पर मालदीव नेपाल ये सब खेल रहे थे, उमर आडम वहाँ भी अच्छा कर रहे थे। बात करेंगे इब्राहिम नसरत की 20 रन, मोहम्मद रिजवान ये ठीक प्लेयर है, अच्छे प्लेयर है, बैटिंग उनसे उम्मीद कर सकते हो, लास्ट 5 मैच में 1.50 भी है इनका। उसके अलावा मलिंदा 1, मोहम्मद आजम 15, इब्राहिम रिजान 1, इसके अलावा इब्राहिम हसन 14, इसके अलावा बात करेंगे सफीस 0 और मोहम्मद महफूज 1 रन। अब हम बात करेंगे गेंदबाजी में, तो आपको नजर आ जाएंगे उमर आडम भाई साहब 4 ओवर 13 रन 2 विकेट, इब्राहिम हसन 4 ओवर 23 रन 0 विकेट, यहाँ से सफीज 1 में 15, मोहम्मद महफूज 4 ओवर 20 रन 1 विकेट, आपके लिए अच्छा पिक हो सकता है, ये कभी कभी बल्लेबाजी में अपने आप को प्रमोट भी करते हैं। इब्राहिम रिजान 2 ओवर 22 रन 0 विकेट, इब्राहिम नसत 1 ओवर 8 रन 0 विकेट। अगर हम सामने की सेकेंड मैच की बात कर ले यहाँ से मालदीव का, तो भाई साहब इनका सामना हुआ था बहरीन के साथ और वो भी इसको भाई साहब फेंटी लगा दिए थे, 7 विकेट से रन दिए थे। बात करेंगे बल्लेबाजी में अजियान फरहत 5 रन, यहाँ से आप देखना ना कि मालदीव का बल्लेबाजी अटैक बिल्कुल ही कमजोर है अगर आप उमर आडम को हटा दोगे तो। अहमद हसन 8 रन, उमर आडम 31 रन, इब्राहिम नसत 7, मोहम्मद आजम 4, मोहम्मद रिजवान 15, मलिंदा 0, मोहम्मद महफूज 9 रन, इसके अलावा इब्राहिम हसन 3, इब्राहिम रिजान 0 और अमील मरूफ यहाँ से 1 रन किए हुए थे। बात करेंगे गेंदबाजी में, तो फिर से उमर आडम 1 ओवर 22 रन 0 विकेट, इब्राहिम हसन 3 ओवर 39 रन 2 विकेट, नसत फिर से गेंदबाजी कर रहे हैं 2 में 13 रन 1 विकेट और महफूज 1 ओवर 18 रन 0 विकेट। अब आइए हम देख लेते हैं जब दोनों टीम का आमना सामना हुआ है तब क्या हुआ है। मालदीव
और कुवैत का आमना सामना हुआ था 2019 में, ठीक है, वहाँ पे हुआ था। वैसे अब रबीजा मैन ऑफ द मैच, अब देखिएगा आज क्या हुआ था। यहाँ पे मालदीव पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे खड़ा किए थे 102 रन। अगर हम बात कर लेंगे मालदीव की तरफ से, उमर आजम को याद कीजिएगा 0, अहमद हसन 9, मोहम्मद रिजवान 25 रन, इसके अलावा हसन रशीद 13। इसके अलावा आपको मैं नीचे लेकर आऊँगा तो मोहम्मद आजम खेल रहे हैं अभी भी, उसको लेकर बता दूँ 4, मोहम्मद महफूज 11, इसके साथ में इब्राहिम नसरत 0 और सफीद अभी खेल ही नहीं रहे, तो उसके लेकर डिस्कस नहीं करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, इमरान अली खेल नहीं रहे हैं, फयाज अहमद खेल नहीं रहे हैं, अर्जुन मुकेश खेल नहीं रहे। अब आपको देखना पड़ेगा वसंत, वैसे पुराना दचावल है ये, कभी तो कभी काम आएगा ही। 4 ओवर 26 रन 2 विकेट, मोहम्मद कसीफ जो कि आपको ऑलराउंडर सेक्शन में दिखने वाला है, अभी तक नहीं खेल रहा है, अगर कल खेल देते तो आपके लिए बहुत बड़ा डिफरेंशियल पिक बन जाएगा, आप कैप्टन बीसी भी उसको उस कंडीशन में ट्राई कर सकते हो। मोर्शद सरवर को लेकर बात कर लें तो ये भी फिलहाल खेल नहीं रहा है, 3 ओवर 13 रन 2 विकेट। अब बल्लेबाजी में बात कर लें तो रबीजा 68, उसके अलावा सेली खेल नहीं रहा है, उसके अलावा मोहम्मद असगर खेल नहीं रहा है, साथ में मोहम्मद अमीन भी नहीं खेल रहे। रबीजा का नाम आप लोग याद कर लो। अगर गेंदबाजी में बात कर लो, इब्राहिम हसन अभी भी खेल रहे हैं मालदीव की तरफ से, 2 ओवर 17 रन 1 विकेट, मोहम्मद महफूज 2 ओवर 27 रन 0 विकेट, अहमद हसन 1 ओवर 3 गेंद 26 रन 0 विकेट। देखो दोस्तों, अगर आप खुद के ऊपर रिस्क ले सकते हो तो इस मैच में इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ा देना अपना, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप खुद के ऊपर रिस्क ले सकते हो तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना, आपका रिजल्ट अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया तो फिर आपके लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है डोमेस्टिक मैच है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। विकेट कीपर सेक्शन में मैंने उस यू घानी कर लिया है, पहला ही आपका डिफरेंशियल पिक। देखो वैसे आपको सेफ जाना है तो आप मित भवसावर के साथ जा सकते हो, लेकिन मुझे उसको लेने का कोई मतलब दिख नहीं रहा है। हाँ, टॉस के बाद मैं मालदीव के रिजवान को ट्राई कर सकता हूँ, अगर कुवैत की पहले गेंदबाजी आए तो, ये मैं आप लोग को टेलीग्राम पर बता दूंगा, ठीक है। बैटिंग में बात करेंगे तो मैंने आर डी सिल्वा, इदरीस और तीसरा जो मेरे पिक बनने वाले हैं वो एडसन सिल्वा को मैंने ट्राई किए हैं। आप अगर कुवैत की पहले बल्लेबाजी आती है तो आप ट्राई कर सकते हो ताहिर को, अगर मान लो कि मालदीव की पहले बल्लेबाजी आती है तो आप हसन या फिर फरहत को ट्राई कर सकते हो। अब आइए ऑलराउंडर सेक्शन में, तो मैं तो बोलूँगा भाई साहब असलम को ट्राई करना ही है, उमर आदम को ट्राई करना ही है। अगर शरीफ खेलता है, मैं स्टार्ट लगा लूँ इसके ऊपर, अगर ये प्लेयर खेल गया ना तो आपके लिए पॉकेट रॉकेट जैकपॉट पिक बन जाएगा, आपको ट्राई करनी है इसको। फिलहाल मैंने ट्राई किए इब्राहिम हसन को, इसके साथ मैंने ट्राई किए आई नसत को। बात करेंगे बॉलिंग में तो मेरा जो पहला पिक बनेगा मोहम्मद महफूज, इसके अलावा मैंने ट्राई किए भाई यहाँ से अपनी टीम में वसंता को, भाई स्टार लगा लो आपके टीम में, भले कितना ही फ्लॉप हो जाए ना मेरी टीम में ये रहेगा और स्टार पिक रहेगा। सबसे बड़ा डिफेंसल का काम मेरी टीम में करने वाला है कौन, वसंता। इसके अलावा मैंने ट्राई किए सिराज खान को। अब आपके पास जो मुनीब का पिक बनता है ना, इसको मैं कब ट्राई करूंगा, अगर मान लो कुवैत की पहले गेंदबाजी आती है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखा है कोई भी गेंदबाज एक दो विकेट लेकर निकल सकता है, तो हो सकता है मैं विकेट कीपर में घानी की जगह पर रिजवान को ले लूँ और यहाँ से मैं महफूज को तो मैं ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा, यहाँ आई नसरत की जगह पर ट्राई कर सकता हूँ ऐसे मुनीब को। ये चेंजेस आप लोग मेरे फाइनल टीम में दिख सकते हैं। फिलहाल मैंने जो अपना टीम बनाया है वो मैंने यहाँ से आई नसरत को लिया हुआ है और रिजवान के जगह पे मैंने घानी को लिया हुआ है और ये मेरा फिलहाल फाइनल टीम है। सभी एप्लीकेशन पे चाहे आप जिस भी ऐप पे खेल वहाँ के लिए मेरा ये फाइनल टीम है। कैप्टन बीसी की बात कर लूँ, उससे पहले मैं आप सभी से एक ही बात बोलूँगा दोस्तों कि अगर आप लोग को वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका छोटा सा इनिशिएटिव से दोस्तों मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मैं मोटिवेट रहूँगा तो आप लोगों को उसका असर टीम पर जरूर दिखेगा। अब कैप्टन वीसी को लेकर बात करें तो कैप्टन तो असलम मेरा सेफ बिल्कुल रहने वाला है। अगर आप चाहो तो वीसी, अगर मान लो उमर आदम की पहले गेंदबाजी आए तो मिनी जीएल जेल में ट्राई करना, स्मॉलिंग में आपको जो वीसी ट्राई करने हैं वो इन दोनों में से ही ट्राई करने हैं, या तो डिसिल्वा या फिर अदनान इदरीस, जिसके साथ मन करता है आप स्टिक कर जाओ। मैं फिलहाल के लिए अपनी टीम में वाइस कैप्टनसी दे रहा हूँ अदनान इदरीस को, देखेंगे आपका टॉस क्या होता है। फिलहाल कैप्टनसी असलम और वीसी यहाँ से मैंने अदनान इदरीस को दिया हुआ है, क्योंकि पिछले मैच में इसने गेंदबाजी भी की है, अगर ये गेंदबाजी नहीं किया होता पिछले मैच में तो मैं यहाँ से आर डिसिल्वा को बीसी दे देता, अगर कुवैत की पहले बल्लेबाजी नहीं पहले गेंदबाजी आती तो। इन सब बातों को ध्यान दीजिएगा तभी आपको जीएल मिनी जीएल में अच्छा रैंक देखने को अपना मिल जाएगा। इसके अलावा आप कैप्टन सेम रखिए और वीसी जो है इन दोनों को या फिर इन तीनों को रोटेट कीजिए आपस में, युघानी को भी रोटेट कर सकते हो, इनके पास भी बैक टू बैक 250 है, तो आप सिर्फ समझना कि कुवैत के ज्यादा से ज्यादा प्लेयर को कैप्टन वीसी दीजिए, कैप्टन सेम रख के वीसी रोटेट कीजिए। अगर आपको मालदीव की तरफ से कोई एक प्लेयर कैप्टनसी के लिए ट्राई करने बीसी के लिए ट्राई करने तो आपके लिए उमर आदम एक पिक बन सकते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा पसंद आया होगा, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए।